हेलो दोस्तों, देखिए मार्केट में हुई है गिरावट और इस गिरावट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसी चीज का जवाब देंगे, क्यों गिरावट हुई है उसका जवाब तो मोस्टली सबको मिल ही गया होगा, बट आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज भी देखोगे तो FIIs ने एक अच्छी खासी सेलिंग करी है। यहाँ पर आप जाओगे, इनका डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा 15,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर नेट सेल यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो सब चीज से रिलेटेड बातें करेंगे, एक एक करके हम सब चीज से रिलेटेड जानेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आपको क्या करना है आपको केवल सीखना है। जितना सीखेंगे उतना आपके लिए ही फायदा होता हुआ नजर आएगा। सीखने का तरीका क्या है, आप हमारी वीडियो जाके देखिए, एक एक करके वीडियो जाके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हो, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर हम बेसिक टू एडवांस रिसर्च फंडामेंटल टेक्निकल सब से ही समझाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, कब चीजें लेनी चाहिए कब चीजें बेचनी चाहिए वो चीजों से रिलेटेड बातें करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करते हुए नजर आ सकते हो। तो यहाँ पर 8860540501, 8169261037 दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए, कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, डिटेल्स ले लीजिए। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत आपको 50,000 रुपए के आसपास मिलती हुई नजर आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एक एक करके इस पर्टिकुलर गिरावट के पीछे क्या वजह है। ठीक है कि यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासी गिरावट अलग अलग इंडेक्स में होती हुई नजर आई है, सब कुछ को जानेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन ये आपको अपने हिसाब से ही काम करना है, बट हम आपको आइडिया देते हुए नजर आएंगे क्योंकि हमारे आइडिया आपको पता ही है किस तरीके से होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात, FIIs की यहाँ पर 15,243 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। इसके अगेंस्ट में 12,913 करोड़ रुपए की यहाँ पर क्या हुई है, DIIs ने यहाँ पर बाई किया है। अभी तक का डेटा की बात करें तो यहाँ पर समझ में आएगा 20,822 करोड़ रुपए का 2 दिन के अंदर अंदर FIIs ने बेच दिया है और 17,523 करोड़ का DIIs ने खरीदा है। बट इसी डेटा को मत देखिए, है ना, इस डेटा को मत देखिए, इसके अलावा आपको ये क्या है, ये नेट सेल और परचेज है। बट आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये ग्रॉस परचेज और ग्रॉस सेल। तो यहाँ पर समझ में आएगा बेचा बेशक से ज्यादा गया हो 32,000 करोड़ रुपए का, बट 17,000 करोड़ रुपए का खरीदा भी गया है, 18,000 करोड़ का जरूर बेचा गया है बट 12,000 करोड़ का खरीदा भी गया है। सेम एज इट इज यहाँ देखोगे, 12,000 करोड़ का बेचा गया है तो 25,000 करोड़ का खरीदा गया है, 9,800 करोड़ का बेचा गया है तो 14,400 करोड़ के आसपास का खरीदा गया है। ठीक है ना, तो इस चीज को भी याद रखिए, कहीं से पैसे निकल के कहीं जा भी रहे। तो आपको क्या है, आपको सबसे पहली बात बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा कि आप किस तरीके का पोर्टफोलियो आपके पास है, आपके पास किस तरीके के शेयर है, वो सब चीज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बेस पे ही आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे, जो कि आपका आगे का विजन आपका डिसाइड करेगा। आज का विजन नहीं आ गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट जब आप पैसे लगाते हो ना तो आप पैसे 1-2 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए लगाते हो, आप पैसे 6 महीने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल और 20 साल के लिए लगाते हो। ठीक है, तो लॉन्ग व्यू रखना पड़ेगा। ये गिरावट बार बार आती है, बार बार आएंगी। यहाँ पर देखिए कितनी बार यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मार्केट अगर 2020 की गिरावट के बाद भी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितनी बार गिरता हुआ नजर आया। देखिए 2020 में गिरा, पहले तो अच्छी खासी गिरावट हुई, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर गिरा, उसके बाद यहाँ पर गिरा, फिर इसके बाद यहाँ पर बड़ी गिरावट हुई है, यहाँ पर भी हुई है, यहाँ पर भी हुई है। तो जब जब हाई बनाया तब तब गिरावट हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर जब जब हाई बनाया तब तक गिरावट हुई है। कभी कभी क्या हुआ है कि तुरंत ही गिरने के बाद 1-2 महीने के अंदर अंदर रिवर्स हो गया है, कभी क्या हुआ है कभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया है, कभी क्या हुआ है कि गिरावट हुई है तो फिर और थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया है, कभी गिरावट ज्यादा हुई है तो यहाँ पर और थोड़ा। बट याद रखिए, हर गिरावट में एक नया हाई बनता हुआ नजर आया है। टाइम बेशक से ज्यादा हो सकता है, यहाँ पर भी गिरावट हुई है, यहाँ भी गिरावट हुई है, यहाँ भी गिरावट हुई है और सेम गिरावट यहाँ पर भी हुई थी और सेम गिरावट यहाँ पर भी हुई थी और अब दोबारा यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो क्या बेच के निकल जाना है एक सॉल्यूशन है? तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि इंडिया के सारे बिजनेस क्या बंद होने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि इंडिया के आगे भी अच्छे खासा ग्रो करेगा। अगर ऐसा है ग्रो करेगा तो फिर आप सही ट्रैक पे हो। अगर आपको लगता है कि हाँ सब कुछ बंद होने वाला है ना, कल कल सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो उस केसेस में अलग से आपको यहाँ पर डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो देखिए गिरावट हो रही है,
ठीक है, लेवल्स यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर देखिए गिरावट होने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, 25,084 के आसपास का एक मेन सपोर्ट है। मुझे लगता है कि कल एक गैप डाउन हो सकता है, ठीक है, गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर से चीजें रिवर्स होती हुई नजर आएगी और चीजें ऊपर की तरफ दोबारा निकलती हुई नजर आएगी और न्यू हाई हम देखते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर होगी किससे रिलेटेड, ये निफ्टी से रिलेटेड होगी। अब बात करें थोड़ा सा और चीजों की, तो यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि गिरावट के पीछे का वजह क्या है। तो सबसे पहली बात, आज एक्सपायर थर्सडे है तो थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी एक रीजन था। ठीक है, दूसरी बात हम बात करें तो यहाँ पर देखिए FNO के रूल्स चेंज होते की न्यूज आई है। अभी 3 दिन पहले जब मीटिंग हुई थी, ठीक है, उस टाइम कुछ भी डिसीजन नहीं आया, बट जब मार्केट यहाँ पर बंद हुई है, ठीक है, यहाँ पर जब छुट्टियां थी तो कल के दिन में कुछ सर्कुलर आया, उसने सब चीज बिगाड़ती हुई नजर आई और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसी रीजन की वजह से दोबारा दूसरा यहाँ पर लिक्विडिटी फ्लो, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं कि लिक्विडिटी कम हो जाएगी, बड़ी मछली छोटी मछली को कैसे खाएगी, तो वो सारी बातें की जा रही है। ठीक है, बट उस पर आपको नजरअंदाज करना है उन सारी चीजों को। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने चीजें बेच दी और बेचने के बाद मार्केट ने दोबारा रिवर्स रैली ले ली और पैसे आपके जहां पर आपको बनने चाहिए थे वहां पर चले गए। ठीक है, तो और ये भी हो सकता है कि आपने बेच दिया और आप बिल्कुल सही हो और चीजें यहाँ पर और भी नीचे आ जाए, तो दोनों यहाँ दोनों साइड के हो सकता है। ठीक है, बट आप बहुत सारी चीजों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बेस पे ही आप काम कर सकते हैं। अब मार्केट में बड़ी गिरावट तब तक नहीं होगी, ठीक है, मार्केट यहाँ जब तक कुछ अलग ना हो, मैं हमेशा कहता हूँ, हमें हमेशा बताता हूँ कि मार्केट को अच्छा खासा गिरने के लिए कुछ अलग होना बहुत जरूरी है। क्या वॉर अलग है? ठीक है, वॉर बिल्कुल भी अलग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने रशियन यूक्रेन वॉर भी देखा है, ठीक है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत टाइम देखा, गिरावट हुई, उसके बाद मार्केट दोबारा रिकवर हो गई। बेशक ने 6 महीने का टाइम लिया, 1 साल का टाइम लिया, ठीक है, और उस बीच अलग अलग स्टॉक्स यहाँ पर भागे भी है, तो आपको उन स्टॉक्स पर भी यहाँ पर ध्यान देना है। FIs की सेलिंग हुई है तो साथ में बाइंग भी हो रही है। अब FIs की सेलिंग हो रही है तो एक्चुअली क्या होता हुआ नजर आ रहा है कि चाइना का ये जो बाजार है, ठीक है, ये अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये इसने बहुत कम टाइम के अंदर अंदर अब एक एक दिन में इनके इंडेक्स 8-8% भागते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे इंडेक्स तो 2-3% में ही खुशियां बन जाती है, ठीक है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो इनका इंडेक्स लगभग लगभग 24% के आसपास भागता हुआ नजर आ रहा है कुछ दिनों के अंदर अंदर। यहाँ पर आप देखोगे 13 सितंबर से अभी तक 24% यहाँ पर भाग गया 15-16 दिन के अंदर अंदर, तो यहाँ पर पैसे जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर चाइना में आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, आप इसका वीकली चार्ट पे जाओ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो इनका ऑल टाइम हाई था ना वो 2007 में लगा था, और उससे पहले जो हाई था वो 2015 में, वो लेवल अभी तक आ ही नहीं पाए है। हम तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, बट ये वहां से वहां नहीं पहुंच पाए है, तो शायद इनकी वैल्यूएशन कम है तो इस वजह से पैसे वहां जा रहे हैं। ठीक है, और इंडिया थोड़ा सा बहुत ज्यादा महंगा होता हुआ नजर आ रहा है, सारे शेयर ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है, तो इस चीज को भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। दूसरी बात हम बात कर रहे, तो यहाँ पर देखिए अमेरिकन मार्केट, अभी आप देखोगे हमारी मार्केट जरूर गिरे, इनके मार्केट भी गिरे सारी चीज के न्यूज से, बट रिकवर हो गए और सपोर्ट को यहाँ पर पकड़े हुए। अभी भी आप देखोगे तो 171 पॉइंट की गिरावट है, ठीक है, ये तो फ्यूचर की बात होगी अमेरिका के। बट हम बात करें अभी जब मार्केट ओपन होगी 8 बजे के आसपास, 7:30 पौने 8 बजे के आसपास, तब आपको एक क्लियर आइडिया और नजर आ जाएगा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और यहाँ पर आपको क्या करना है। अब अभी तक बात करूं मैं, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर डो जोन्स को यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए। ठीक है, अभी तक का मैं आइडिया आपको जस्ट नॉर्मल एक आइडिया देता हुआ नजर आ रहा हूँ, बाकी हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो कल भी गिरा था बट रिकवर हो गया, पॉजिटिव यहाँ पर क्लोज हुआ है, मुझे तो यहाँ पर तेजी नजर आती है। ठीक है, गिरावट हुई भी तो थोड़ी बहुत गिरावट होगी, ठीक है, 2-4 दिन की गिरावट होगी, फिर दोबारा यहाँ पर अमेरिकन मार्केट तो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अमेरिका यहाँ पर बात करें नैसडैक की, इसने भी सपोर्ट ले लिया है, तो इसने सपोर्ट ले लिया तो ये भी यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं हम इंडियन बाजार की, कि इंडिया के बाजार में क्या चल रहा है। देखिए निफ्टी मुझे लग रहा है जैसे मैंने बताया कि शायद जैसे अमेरिका बाजार शायद गिर जाए, गिरने के बाद यहाँ पर भी गिरावट, और गिरने के बाद ये सपोर्ट है मेन है 25,000, यहाँ पर हम मेन सपोर्ट की बात करें 25,080 के आसपास का एक मेन सपोर्ट है, यहाँ पर आके चीजें दोबारा रिवर्स हो सकती है और निफ्टी का लेवल ये हो गया। ठीक है, निफ्टी बैंक का लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ कि निफ्टी बैंक का लेवल क्या चल रहा है। निफ्टी बैंक एक मेजर क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास है,
ठीक है, और शायद गिरावट हो सकती है, और अगर गिरावट होती है तो ज्यादा नहीं 49,600, ठीक है ना, दो दो 2200 पॉइंट की गिरावट होगी। इसके बाद दोबारा यहाँ पर रिवर्स होता हुआ नजर आएगा और बैंक यहाँ पर चलेंगे, ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिना बैंक के तो यहाँ पर काम होता ही नहीं है, तो यहाँ पर अच्छा खासा ये चलता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की, तो निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं तो देखिए अच्छा खासी गिरावट हुई है, ठीक है, लेवल्स यहाँ पर टूट चुके हैं और मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर शायद लेवल्स टूटेंगे, और यहाँ पर एक आप देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वाला लेवल जो आज का लो था, ठीक है, 18,878 का, वहां से अच्छी खासी रिकवरी हुई है, बट अभी वो रिकवरी में जानी है, मैं आपको दिखाऊंगा, अगर वो यहाँ पर से ये लेवल टूटता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तक इंडेक्स जाता हुआ नजर आ सकता है 18,190, तो लगभग लगभग 1,000 पॉइंट की गिरावट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, 17,125, तो अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। बट ये गिरेगा इंडेक्स, जब यहाँ पर 2 से 3% गिर सकता है, अगर मैं यहाँ पर देख के चलूँ तो क्या, अगर इंडेक्स 11% गिरा तो स्टॉक्स लगभग लगभग 20 से 25% फिर और नीचे आएंगे, ठीक है। तो आप बट आपको करना क्या है, आपको अपने स्टॉक्स को देखना है, क्या आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, क्या वो स्टॉक्स तो नहीं है जो ऑलरेडी नीचे से अपने बॉटम से लगभग 10 गुना 15 गुना हो चुके हैं, अगर ऐसे स्टॉक्स है तो मुझे लगता है कि वहां से निकल जाना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि आने वाले 1 डेढ़ 2 साल वो स्टॉक्स नहीं चलेंगे, उसके बाद चलेंगे तो तब की तब देखी रहेगी, बट वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अगर आपके पास ऐसे स्टॉक्स है जो अभी तक चले नहीं है और जहां पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर बाइंग बन रही है, ठीक है, उनमें थोड़ा सा टाइम दोगे, मार्केट में गिर रहे हैं वो भी गिर रहे हैं, 1% 2% ही गिर रहे हैं, बट जब वो रिकवर होंगे ना, मार्केट रिकवर होगी, वो रिकवर होंगे, वो रिकवर होंगे, तो वो नया हाई बनाते हुए नजर आएंगे, वो आपके पैसे बनाते हुए नजर आएंगे, तो आपको उस तरीके के स्टॉक्स में यहाँ पर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, पैसा कहाँ जा रहा है वो यहाँ पर ध्यान देना होगा, ये सारी की सारी चीजों पर आपको क्या करना है, अपने आपको ध्यान देना है और उसके बेस पे यहाँ पर काम लेना है। बाकी मैं ये भी बता रहा था, यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, एक बॉटम बनता हुआ नजर आया है, बट इस बॉटम में जाननी है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगी तो ये लेवल टूट जाएंगे और टूट के और नीचे आ सकता है, बट यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि एक बॉटम बने और बॉटम बन के यहाँ पर चीजें ऊपर जाए और दोबारा 19,200 के आसपास आए। आज हुआ भी था मार्केट में गिरावट, गिरावट के अपसाइड आया, अपसाइड के बाद यहाँ पर आप देखोगे लगातार गिरावट आती हुई दिखाई दी, और यहाँ पर पोर्टफोलियो 2% 3% मोस्टली सबके, ठीक है ना, सबके यहाँ पर गिरते हुए नजर आए, तो ये मेन सपोर्ट है, अगर यहाँ पर ये टूटा तो चीजें और नीचे आ सकती है, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप में आपको क्या करना है, तो निफ्टी मिड कैप का जो एक लेवल था क्रूशियल लेवल वो टूट चुका है, ठीक है, ये मेन सपोर्ट है 58,000, यहाँ पर हम देखें तो 58,642 का एक मेन लेवल है, और दूसरा मेन लेवल है ये वाला 57,780 के आसपास का, ये दो लेवल है, अगर यहाँ तक रुक जाता है ठीक है, अदरवाइज फिर चीजें और बिगड़ती हुई नजर आ सकती है, और फिर इंडेक्स 2-3 हजार पॉइंट अच्छा खासा नीचे आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर शेयर और गिरते हुए नजर आएंगे, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या प्रॉफिट है तो यहाँ पर बुक कर लिए, थोड़ा सा कैश रेज करिए, नीचे लेने के काम आएगा, बाकी अगर लॉस में है तो थोड़ा सा वेट करिए, है ना, वेट करना एक अच्छी खासी रणनीति है, उसमें क्या होगा कि अगर अच्छे स्टॉक्स होंगे आपके तो यहाँ पर आप चीजें अच्छी हो जाएगी, बाकी अगर लॉस होगा और आप शिफ्ट कर सकते हो पैसे, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये कंपनी इससे ज्यादा अच्छी है तो वहां पर भी शिफ्ट कर सकते हो थोड़ा सा लॉस बुक करके, तो वो सारे आइडियाज होते हैं, वो अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी होती है, बट लॉस बुक करना हर एक के बस की बात भी नहीं होती, हर एक के जिगरा भी नहीं होता कि वो यहाँ पर लॉस कर जाए, ठीक है, लॉस को बुक कर ले, तो वो सब चीजों को आपको ध्यान देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल नोटिफिकेशन कौन करेगा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।